ये रेस्टोरेंट के ओनर हैं, आपका रेस्टोरेंट मैम बहुत अच्छा है और मेरे वेल गुड विशेस है आपके साथ, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि आपका खाना बहुत अच्छा है। वेलकम टू कुक सम मैजिक। आज मैं अपने चैनल पे आपको लेकर आई हूँ एक रेस्टोरेंट दिखाने और जो कि हाल ही में भी नया नया खुला है और इनके जो ओनर हैं उनका पहले भी एक रेस्टोरेंट है जिसका वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। उसमें आपको ध्यान हो, आपने अगर देखा हो तो शायद मैंने एक डब्बे के बारे में बताया था। बस उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट खोला है तो खाना कैसा है, स्वाद कैसा है वो तो अंदर चल के पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, पहले अंदर चलते हैं फिर ये देखते हैं कंपैरेटिवली कैसा है, क्या वही स्वाद उन्होंने अभी भी बरकरार रखा है। तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। पहले स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं। स्टार्टर्स में हमने मंगाए दही के कबाब और हमने मंगाए स्टीम्ड वेज मोमोज। तो पहले इनको खाते हैं और देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो सबसे पहले मैं मोमोज खाऊंगी और फिर बताऊंगी, थोड़ी सी ग्रीन चटनी साथ में। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना मजा नहीं आएगा। और ये रेड चटनी भी साथ में, इसको खाएंगे पहले ग्रीन से फिर खाऊंगी रेड से। मजेदार है, एक बार रेड चटनी से खा लो फिर बताती हूँ। ओह सॉरी, बहुत मस्त, बहुत टेस्टी, इतनी स्पाइसी चटनी है, छटाकेदार, जैसे मोमोज के साथ होती है और बहुत मजा आ रहा है इसको खाने में। इसको कंप्लीट करो फिर दही के कबाब बताती हूँ कैसे हैं। अब टेस्ट करते हैं दही के कबाब। ये देखो भाई, लुक एट दिस, बाहर से इतने क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट दिख रहे हैं और खाने में भी बिल्कुल यही, बाहर से एकदम करारे कुरकुरे क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मेल्ट एंड माउथ, बहुत अमेजिंग है। खाने में बहुत मजा आ रहा है। तो स्टार्टर्स तो मेरी तरफ से 100% बिल्कुल 100 में से 100 नंबर है स्टार्टर्स को। अब इसके बाद मेन कोर्स मंगवाएंगे और फिर देखते हैं कि खाना कैसा है। स्टार्टर्स हम खा चुके हैं, बहुत टेस्टी थे, बहुत अमेजिंग थे। और सबसे बड़ी चीज़, प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छी थी। प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन ऐसी थी कि बंदे का देख के ही खाने का मन कर जाए। अब हमने मेन कोर्स मंगवाया है, मेन कोर्स में हमने ये मंगवाया है पनीर अदरक की और ये मंगवाई है हमने कढ़ाई चाप और साथ में है कुछ फुलके, बिल्कुल सिंपल तवे फुलके हैं। अब मैं इनको टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि इनका टेस्ट कैसा है, क्या इन्होंने इसी चीज़ को बिल्कुल बरकरार रखा है या कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें से, मज़ेदार चाप को तो खाते ही देखने का दिल करता है। एक फुलका ले लेते हैं, अब एक अच्छी सी बाइट बनाते हैं, पहले पनीर के साथ फिर चाप के साथ। साथ में थोड़ा प्याज लगाएंगे। पनीर के टेस्ट में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इनका पुराना टेस्ट है ना उससे भी ज़्यादा निखर के टेस्ट आ रहा है। और पनीर अदरक ही नाम है ना, तो अदरक का अच्छे से फ्लेवर और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर, मतलब ऐसी कोई कमी नहीं है सब्जी के अंदर, कैसी भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी है। और अब चाप की बारी है। सबसे पहले चाप की बारी, आप चपाती देखो, फुल ऑफ घी, मज़ेदार। चाप का पहले मसाला टेस्ट करते हैं क्योंकि चाप में मेन मसाला ही ज्यादा टेस्टी होना चाहिए। फिर से एक प्याज लगाएंगे। चाप भी बहुत अच्छी है, कैसी भी कोई बुराई करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत मतलब अमेजिंग खाना है, मुझे बहुत मजा आ रहा है खाने में। और बिल्कुल डिफरेंट है, ये कढ़ाई चाप मसाला है तो इसमें वही कढ़ाई चाप मसाले वाला टेस्ट है,
और पनीर अदरक की बिल्कुल बस बहुत मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाने में। और ये जो रेस्टोरेंट है इनका बिल्कुल प्योरली फुल वेजिटेरियन है, मतलब कोई नॉनवेज का कोई उसमें चक्कर ही नहीं है। और जो भी फुल वेजिटेरियन हो ना, ये खाना यहाँ पे इस रेस्टोरेंट पे आके एक बार आप जरूर टेस्ट करना, बहुत मजा आएगा आपको खाने में। तो लेट्स कंटिन्यू, खाने का मजा लेना है तो इस रेस्टोरेंट पे आप जरूर आना। नाम है इसका स्वाद अनुसार, पुराने रेस्टोरेंट के नाम पे ही है, और ये है अशोक विहार फेज 2 में, सत्यवती कॉलेज के पास में। तो एक बार मेरे कहने से आप जरूर विजिट करना, बड़ा मजा आएगा आपको भी। खाना खाते हैं फिर आपको आपसे विदा लेंगे बाद में, अभी थोड़ी देर और रुकते हैं। तो खाना हम खा चुके हैं, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, खाना इनका बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी चीज प्रेजेंटेशन और साफ सफाई इतनी अच्छी, मतलब कुल मिला के कभी भी अगर मेरे कहने से आप इस रेस्टोरेंट में आते हैं और कभी भी आप देखते हैं तो आप जरूर से देखिएगा, इतनी सफाई, इतना सब कुछ इतना टाइडी, नीट एंड क्लीन है। और प्रेजेंटेशन पे तो बहुत जोर दे रखा है भैया ने। तो मैं आपको मिलाती हूँ इनके ओनर से। तो ये रेस्टोरेंट के ओनर, आपका नाम? अच्छा, ये रेस्टोरेंट के ओनर है। आपका रेस्टोरेंट मैम बहुत अच्छा है और मेरे वेल गुड विशेज है आपके साथ, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि आपका खाना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, मेरे कहने से एक बार प्लीज जरूर आइएगा रेस्टोरेंट में, क्योंकि इनका पहले वाला रेस्टोरेंट है वहां भी मैं खा चुकी हूँ और मैंने यहाँ भी खाया है, तो दोनों जगह टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है। और इनके पहले वाले रेस्टोरेंट का जो वीडियो है मैं अपने चैनल पे लिंक डालूंगी। ठीक है, ओके, फिर विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, कुक सम मैजिक, बाय बाय।